तो मूवी की शुरुआत में हम बम्मन और सुपरमैन नाम के इस लड़के को देखते हैं जिनका एक छोटा सा गैरेज है। और तभी यहाँ शिवा की एंट्री होती है जो कि इस मूवी का हीरो है। शिवा अपने गांव से शहर आया है पैसा कमाने और बम्मन इसके गांव का दोस्त है इसलिए शिवा इसके यहाँ ही रुकेगा। शिवा को एक जॉब चाहिए थी तो बम्मन उसे डिलीवरी बॉय की जॉब लगवा देता है। लेकिन डोरिन जॉब करने के बाद शिवा को यह जॉब पसंद नहीं आता तो दूसरी जॉब ढूंढता है। तो फिर बम्मन उसे बताता है कि अभी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का काम अच्छा चल रहा है, बस मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और अपनी कार के डिटेल्स एंटर करो, उसके बाद बुकिंग अपने आप ही आने लगेंगे। लेकिन कार खुद की होनी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे तो नहीं होते। तो शिवा वापस अपने गांव जाता है भैया और भाभी के पास। अब इसके भैया के पास भी पैसे नहीं होते हैं तो शिवा की भाभी अपने जेवर गिरवी रख कर शिवा को पैसे दे देती है। और फिर बम्मन और शिवा सेकेंड हैंड कार ढूंढने लगते हैं। फाइनली इनको एक अच्छी कार मिल जाती है इनके बजट में, लेकिन वह जिससे कार खरीद रहे होते हैं वो आदमी बहुत अजीब बिहेव करता है, लेकिन फिर भी ये लोग कार खरीद लेते हैं। और फिर बम्मन इसके कार को अच्छी तरीके से रिपेयर कर देता है और फिर शिवा का काम अच्छा चलने लगता है। एक दिन एक लड़की एप्लीकेशन की मदद से शिवा का कार बुक करती है और जब शिवा इसे पिक करने आता है तो देखता है ये लड़की तो नशे में टुन है। और फिर शिवा जैसे तैसे उसे कार में बैठा कर उसके बताए हुए लोकेशन पर ले जाता है। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है उसका एड्रेस लोकेशन किसी अनजान जगह का था। तो शिवा को लगता है कि अगर इसे अकेले छोड़कर यहाँ गया हो तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर शिवा को कुछ समझ नहीं आता तो लड़की को पास ही के पुलिस स्टेशन ले जाता है ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो सके। फिर अगले दिन जब इस लड़की को होश आता है तो इंस्पेक्टर इसे रात के बारे में बताती है और डांटती भी है, कहती है अगर उस लड़की की जगह कोई और होता तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था। तो इस लड़की के फ़ोन में शिवा का नंबर होता है तो उसे कॉल करके बुलाती है और घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। और फिर यहाँ लड़की बताती है मेरा नाम अनु है। और फिर शिवा की ये मासूमियत देखकर लड़की शिवा को पसंद करने लगती है और ये लोग रोज मिलने भी लगते हैं और फिर दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर अगले सीन में एक दिन शिवा बियर पीकर बियर की बॉटल कार में ही डालकर सो जाता है, लेकिन रात में अचानक कार का दरवाजा खुलता है और बियर की बॉटल बाहर फेंका जाता है, लेकिन कार में कोई भी नहीं था। और फिर अगले दिन जब शिवा पैसेंजर को ड्रॉप कर रहा होता है तो उस पैसेंजर को उसकी कार में कुछ अजीब सा दिखता है जिससे वो डर जाता है, फिर बिना पैसे दिए वहाँ से भाग जाता है। और फिर रात में जब शिवा अपनी गर्लफ्रेंड अनु को घर ड्रॉप करता है तो अनु जाते टाइम कार का दरवाज़ा सही से बंद नहीं करती है और चली जाती है। और फिर जब शिवा दरवाज़ा बंद करने बाहर आता है तो दरवाज़ा अचानक से अपने आप ही बंद हो जाता है जिससे शिवा डर जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है और फिर आगे जाकर कार में ही बैठकर पैसेंजर का वेट करने लगता है। और फिर अचानक इसके गाड़ी के कांच में भाप बनने लगता है और किसी इंसान के हाथ का पंजा भी बनने लगता है जिससे शिवा पूरी तरीके से डर जाता है और कार से नीचे उतर जाता है। फिर सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम शिवा को गैरेज में देखते हैं और उस कार को भी। और फिर शिवा एक बाबा को बुलाता है, उससे भूत भगाने के लिए कहता है, लेकिन ये ढोंगी बाबा तो उनका कार ही चुरा कर भाग जाता है। उसके कुछ समय बाद ही ढोंगी बाबा को ये कार बहुत परेशान करने लगता है और वापस शिवा के पास ले आता है। फिर ढोंगी बाबा भूत भूत चिल्ला के वहाँ से भाग जाता है। और फिर शिवा को उसके भैया का कॉल आता है, वो कहते हैं तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है तो डिलीवरी के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तुम इंतजाम कर लोगे ना। तो फिर शिवा को मजबूरी में वो कार चलाना पड़ता है। और फिर एक रात जब शिवा कार चला रहा होता है तो अचानक उसकी आंख लग जाती है और वो सो रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है तो कार की स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगती है और शिवा को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। तो शिवा को एहसास होता है
कि वो तो शिवा की मदद कर रहा है। और फिर एक दिन जब शिवा पैसेंजर का वेट कर रहा होता है तो कोई डॉक्टर उसकी कार बुक करता है। फिर शिवा उसको ड्रॉप करने जा रहा होता है तो अचानक उसकी कार में जो आत्मा है वो आदमी को बहुत मारने लगता है और रेलवे ट्रैक पर ले जाकर उसे वहाँ जान से मार देता है। ये सब देखकर शिवा बहुत डर जाता है, वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके कार से ही मर्डर हुआ है। फिर शिवा उस कार के मालिक के घर जाता है जिससे उसने कार खरीदा था, लेकिन वो आदमी यहाँ नहीं होता है और उसका चौकीदार उनको यहाँ से भगा देता है। फिर शिवा, बम्मन और सुपरमैन तीनों उसके घर रात को जाते हैं और चोरी चुपके उसके घर में घुस जाते हैं। जब ये लोग घर में छानबीन कर रहे होते हैं तो एक अलमारी में कोई आदमी बेहोशी की हालत में मिलता है, तो ये लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। और फिर ये आदमी होश में आता है तो ये लोग उस कार की सारी बातें इस आदमी को बताते हैं। तो ये आदमी बताता है जिसकी आत्मा तुम्हारे कार में है वो एक सिसीरा नाम की लड़की की आत्मा है और वो अभी मरी नहीं है। और फिर ये आदमी इन्हें कुछ दिन पहले की कहानी बताता है। दरअसल ये आदमी साइंस का प्रोफेसर होता है और आत्मा से रिलेटेड एक चैप्टर अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है। ये बताता है कि आत्मा को जिंदा रहते शरीर से अलग किया जा सकता है और फिर वापस उस इंसान को जिंदा भी किया जा सकता है। सिसीरा नाम की एक लड़की प्रोफेसर के पास आकर कहती है ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करिए, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है। फिर सिसीरा प्रोफेसर को बताती है कि मेरी माँ मेरी वजह से मारी गई, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दरअसल सिसीरा अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ ही रहती थी, लेकिन सिसीरा अपने सौतेले पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था। लेकिन सिसीरा अपने माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसके पिता की वजह से सिसीरा अपने माँ से भी नाराज हो जाती है। वो एक कमरे में बैठी होती है तभी उसकी माँ उसके कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। दरअसल सिसीरा की माँ को अस्थमा की बीमारी थी और उसकी दवाई नहीं मिल रही थी और इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो दरवाज़ा खटखटा रही थी ताकि सिसीरा उसकी जान बचा सके। लेकिन सिसीरा गुस्से में अपने कान में म्यूजिक लगा कर गाने सुनने लगती है। काफ़ी समय बाद जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी माँ मर चुकी थी। फिर सिसीरा अपने आप को बहुत गिल्ट महसूस करती है जिसकी वजह से प्रोफेसर से अपने शरीर से आत्मा अलग करने की बात करती है ताकि वो अपनी माँ से माफ़ी मांग सके। फिर प्रोफेसर सिसीरा की आत्मा को अलग करने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग करता है और फिर सिसीरा बेहोश हो जाती है तो वह देख पाती है कि उसकी माँ के साथ उस रात क्या हुआ था। दरअसल उस रात सिसीरा की माँ का इन्हेलर इसके पति ने छुपा लिया था और इसके साथ ये डॉक्टर भी मिला हुआ था। अब इसे इन्हेलर दिखाकर यहाँ ये लोग तड़पाते हुए मार देते हैं और ये लोग ये सब इसलिए करते हैं ताकि सिसीरा की माँ की सारी प्रॉपर्टी हड़प सकें। लेकिन सिसीरा को लगता है ये सब उसकी गलती थी, इस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। और अब एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये डिवाइस अटक जाता है और सिसीरा की सांस रुकने लगती है। उसी टाइम यहाँ रघुराम भी आ जाता है और यह सिसीरा को कार में ले जाने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है ये तो सिसीरा को भी मारना चाहता है, लेकिन सिसीरा की सांस तो अपने आप ही रुक गई और उसकी आत्मा अलग होकर इस कार में ही रह गई। और रघुराम इस प्रोफेसर को अपने घर के अलमारी में बंद कर देता है और सिसीरा की बॉडी को मॉर्चुरी भेज देता है जिससे किसी को शक ना हो। फिर उसके कुछ दिन बाद ही ये कार रघुराम शिवा को बेच देता है और फिर इसलिए सिसीरा ने इस डॉक्टर को भी मार दिया था। और अब प्रोफेसर बताता है कि सिसीरा ने अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी जिसकी वजह से उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ होगा और अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ होगा और ये घटना 3 हफ्ते पहले हुआ था, तो उसकी बॉडी को मॉर्चुरी में रखे होंगे, हम उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं अगर उसकी बॉडी को इस कार के पास लेकर उसी डिवाइस को फिर से एक्टिवेट करें। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ रघुराम अपने घर आ चुका है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। फिर वो अलमारी चेक करता है तो उसमें प्रोफेसर भी नहीं होता है, जिससे वो डर जाता है और हॉस्पिटल आकर सिसीरा की बॉडी को ले जाकर जलाने का प्लान करता है। उसी समय यहाँ शिवा और उसकी टीम सिसीरा की बॉडी को मॉर्चुरी से चुराने आते हैं क्योंकि कोई भी उनकी बातों में यकीन नहीं करेगा। और फिर शिवा सिसीरा की बॉडी को लेकर
पार्किंग लॉट से अपनी कार में जाने ही वाला होता है, तभी यहाँ रघुराम भी आ जाता है और सिसीरा की बॉडी को देख लेता है और शिवा को शूट करने लगता है। फिर दोनों के बीच फाइट होती है जिससे शिवा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर रघुराम सिसीरा की बॉडी को एम्बुलेंस में भर कर ले जाने लगता है। तभी सिसीरा की आत्मा कार से एक स्क्रू फेंकती है जिसमें चिंगारी होती है और उस एम्बुलेंस की टंकी से पेट्रोल लीक हो रहा था तो एम्बुलेंस में आग लग जाती है और रघुराम और सिसीरा दोनों ही उसमें मारे जाते हैं। फिर शिवा उसके भाई को कॉल करता है तो वह बताता है कि उसकी भाभी की आज डिलीवरी थी और उसका बच्चा मारा हुआ पैदा हुआ है। तो शिवा हॉस्पिटल जाता है और फिर ये लोग बच्चे को लेकर गैरेज जाते हैं और फिर यहाँ शिवा की भाभी अपने बच्चे को कार में लेकर बैठकर रो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइस यहाँ गैरेज में ही पड़ा हुआ था जो कि शिवा ने एक दिन कार से निकाल कर यहाँ फेंक दिया था। बच्चे की बॉडी कार में होती है और सिसीरा की आत्मा को मृत शरीर की ज़रूरत थी तो वो डिवाइस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आत्मा इस बच्चे के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। शिवा की भाभी को लगता है कि उसका बच्चा जिंदा हो गया। शिवा और प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि ये सिसीरा की आत्मा इसके बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी है और फिर सभी के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। कहानी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।